Xiaomi ने भारत में 10,000 रुपए से कम का एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है। क्या ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज और फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला Redmi 3S Prime एक शानदार पैकेज साबित होगा? इसका रिव्यू जानें। Redmi 3S Prime की सबसे अहम खासियत मेटल बिल्ड है। 144 ग्राम वाला Redmi 3S Prime अपने साइज के हिसाब से ज्यादा वजनदार है, लेकिन घुमावदार किनारों के कारण इसे ग्रिप करना आसान है। बैक पैनल पर मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैनर हैंडसेट को तेजी से अनलॉक करता है और ये गीली उंगलियों को भी स्कैन कर लेता है। बता दें कि Redmi 3S Prime के साथ लॉन्च किए गए Redmi 3S में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मौजूद है। 5 इंच का IPS डिस्प्ले HD रेजोल्यूशन वाला है। इसका ब्राइटनेस लेवल अच्छा है और कलर्स कभी भी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं लगे। ज्यादातर वक्त डिस्प्ले काफी शार्प था और उससे सटीक कलर्स प्रोड्यूस हुए। हैंडसेट के अंदर ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मौजूद है और ग्राफिक्स के लिए अड्रीनो 505 GPU इंटीग्रेटेड है। ये 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है और जबकि Redmi 3S में 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। दोनों ही मॉडल 128GB तक microSD कार्ड को सपोर्ट करते हैं। हमें मल्टीटास्किंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्यादा हैवी ग्राफिक्स वाले गेम खेलते हुए भी फ्रेम रेट ड्रॉप होने का एहसास नहीं हुआ। एप्स तेजी से खुले और स्क्रीन ने हर बार टच करने पर रिस्पॉन्स किया। कमियों की बात करें तो ये कभी कभार अपने आप रिस्टार्ट हो गया और कैमरा ऐप इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा गर्म भी हुआ। रिव्यू के दौरान हमने पाया कि 5 इंच के स्क्रीन के कारण Redmi 3S Prime को एक हाथ से इस्तेमाल करना बेहद ही आसान था, खासकर हम एक हाथ से सहूलियत के साथ टाइपिंग कर सके। कनेक्टिविटी की बात करें तो Redmi 3S Prime में 4G के साथ वॉइस ओवर LTE फीचर मौजूद है और ये फोन भारत में इस्तेमाल किए जा रहे सभी LTE बैंड्स के साथ काम करता है। अफसोस की बात यह है कि कंपनी ने हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है, यानी कि आप एक वक्त पर 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। Redmi 3S Prime MIUI 7.5 पर चलता है, जो Android 6.0.1 Marshmallow पर आधारित है। Redmi Note 3 में इस्तेमाल किए गए वर्जन की तुलना में इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा अपडेटेड है। आप पाएंगे कि Redmi 3S Prime में पहले से कई एप्स इंस्टॉल्ड हैं। पुराने Xiaomi फोन्स की तरह ही थीम सेंटर की मदद से नए थीम्स, वॉलपेपर और रिंगटोन को बदलना आसान है। पहले से इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप रैम को क्लियर करता है और इंस्टॉल किए हुए एप्स को भी मैनेज करता है। मी रिमोट IR एमिटर की मदद से अप्लायंसेस को कंट्रोल करता है और मी स्टोर Xiaomi के अन्य प्रोडक्ट्स खरीदने में आपकी मदद करेगा। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जिसमें फेस डिटेक्शन, ऑटोफोकस, HDR मोड, 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग और LED फ्लैश जैसे फीचर्स मौजूद हैं। आपको एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, जो 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। प्राइमरी कैमरा काफी डिटेल के साथ शार्प तस्वीरें लेता है। खासकर उपयुक्त रोशनी में लिए गए इंडोर शॉट्स बेहतरीन थे। इसमें नॉइज भी कम था और डिटेल की भी कमी नहीं थी। कम रोशनी में लिए गए शॉट्स थोड़े वॉश आउट थे, लेकिन HDR मोड ऑन करने पर ये कमी कुछ हद तक दूर हो जाती है। 5 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे ने कई बेहतरीन सेल्फीज लिए। ये 36 स्मार्ट ब्यूटिफिकेशन प्रोफाइल्स के साथ आता है, जिसका इस्तेमाल करके तस्वीरें और खूबसूरत बनाई जा सकती हैं। एक और गौर करने लायक फीचर है Redmi 3S Prime की 4100 mAh की बैटरी। हमारे वीडियो लूप टेस्ट में ये 14 घंटे 50 मिनट तक चली। फुल चार्ज होने के बाद बैटरी आसानी से पूरे दिन तक चली। हैंडसेट के साथ दिए गए चार्जर ने बैटरी को 2 घंटे से थोड़े ज्यादा वक्त में पूरी तरह से चार्ज कर दिया। 8,999 रुपए में Xiaomi Redmi 3S Prime एक तरह से पैसा वसूल हैंडसेट है। यह अपने सेगमेंट में दूसरे हैंडसेट्स के लिए एक उदाहरण साबित होता है। और विकल्प की तलाश करने वाले यूजर्स Asus ZenFone Max 2016 वर्जन के बारे में विचार कर सकते हैं, जो कि इसी कीमत में मिलता है। अगर आपको बड़ा स्क्रीन और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप Xiaomi Redmi Note 3 को चुनें। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। स्मार्टफोन्स के रिव्यू और फीचर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।